मुझे क्या डाउट है आपकी मनीष जी? डिस्प्ले नहीं आ वो रहा फ्रिज में ये दिखाया था सिलेंडर, है। उसमें मैं कह रहा हूँ क्लिपबोर्ड उसमें नहीं आ रहा है, केवल फाइल ऑनलाइन पिक्चर आ रहा है। जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे तो क्लिपबोर्ड आ रहा है कि हाइलाइटेड नहीं है। हाँ, नहीं, क्लिपबोर्ड हाइलाइटेड नहीं है। तो जब कॉपी करेंगे तभी तो हाईलाइट होगा। क्लिपबोर्ड को उसमें डाल के कॉपी करना पड़ेगा। पहले कॉपी कीजिए तभी तो हाईलाइट। क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है आप पता है? क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आता है है? नहीं 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 कुछ नहीं नया नहीं को। नहीं वो नहीं होता है सर। क्लिपबोर्ड का मतलब होता है जब आप एक्सेल के अंदर या किसी भी एप्लीकेशन, नॉट एक्सेल, किसी भी एप्लीकेशन या कंप्यूटर पे आप कॉपी करते हैं तो कॉपी करके जो डेटा स्टोर करता है वो क्लिपबोर्ड में करता है। ठीक है, हाँ, वो क्लिपबोर्ड होता है। क्लिपबोर्ड इज द पार्ट ऑफ कॉपी। मैं कॉपी करके जो लोकेशन सेव होता है सर क्लिपबोर्ड का। तो जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे तब तक क्लिपबोर्ड में डेटा जाएगा नहीं, और क्लिपबोर्ड में कोई डेटा होगा नहीं तो हाईलाइट नहीं होगा। ओके, हाँ, कोई भी पिक्चर ऑफ करना होगा। आप कॉपी कीजिए उसके बाद। ओके, और किसी को बुलाओ। किसी को और कोई डाउट? चलिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डायनेमिक चार्ट। चार्ट के अंदर फॉर्मूले का उपयोग करना, कि चार्ट के अंदर हम फॉर्मूले का यूज कैसे करें, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई चार्ट लगाते हैं तो उसके अंदर सीरीज का फॉर्मूला आता है, राइट? तो सीरीज का फॉर्मूला ये क्या है, मतलब कि कंसेप्ट क्या है वो पहले आप जान। जैसे कि इसको हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके इंसर्ट, और यहां से हमने अपना चार्ट चार्ट। तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक चार्ट, एक कोई भी एक डेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दूसरे के साथ तभी कनेक्ट होती है फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले के दूसरे के किसी दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होती है। तो जब हम किसी चार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर जो है आपको फॉर्मूला बार में सीरीज का फॉर्मूला दिखता है। अब चलिए फॉर्मूले को समझिए। सीरीज का फॉर्मूला सबसे पहले आ रहा है दैट कॉल्ड सेल्स। सेल्स जो मतलब ये जो है ना आपका टाइटल, सेल्स जो है ना इससे लिंक है, ये टाइटल होता है। मान लो यहाँ जो टाइटल है कहीं और से देना चाहते हो, जैसे मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे लगा दिया मैंने कि मंथली सेल्स ऑफ ईयर 2022 के साथ हमने यहाँ पे दे दिया। मैं चाहता हूं कि इससे लिंक हो तो कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक कीजिए और जहां B1 लिखा है इस B1 को डिलीट कीजिए एंड इसको सेलेक्ट। तो पहला जो होता है दैट कॉल्ड टाइटल, दूसरा जो होता है वो दूसरा होता है आपका, वो होता है जिससे आपका ये एक्सिस तैयार होता है, जैसे जैन फेब मार्च, ये एक्सिस तैयार होता है। और तीसरा जो होता है जो आपका सीरीज जिसके अंदर जो डेटा है वो डेटा से कनेक्टेड होता है और सीरीज के अकॉर्डिंग चलता है। और चौथा जो होता है, ये चौथा आपका होता है पोजीशन। जैसे मान लीजिए सेल के बाद अगर मैं कुछ और यहाँ पे वैल्यू डाल दूं तो यहाँ पे दो दो चार कनेक्ट हो जाएंगे ना, दो हो जाएंगे। तो मैं जैसे कि जब कस्टम करने के बाद इंसर्ट नहीं होता है। तो इसमें जो रेड ए चार्ट है इसका पोजीशन पहले पे और दूसरे पोजीशन दूसरे पे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चाहता हूं कि ये रेड वाला पहले आए और ग्रीन वाला बाद में आए,
तो डेटा को चेंज ना करके आप यहाँ पे जो पोजीशंस है इसी पोजीशन को चेंज करके वन कर देंगे, ये पहले आ जाए, समझे। तो सीरीज का फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे उपयोग, पहले उपयोग में टाइटल के साथ करना दिखाया। अब दूसरा उपयोग ये होता है कि अगर एग्जाम्पल कि अब जैसे छोटा सा हमने डेटा बनाया हुआ है, अब इसको मान लीजिए कि कॉपी पे कहीं और ले जाना होता है, एक दो अंक का डेटा है, मैं चाहता हूं कि मैं ये डेटा चार्ट के अंदर ही डालू, तो चार्ट के अंदर आप डाल सकते हैं डेमो फॉर्मेट, जो एरे फॉर्मेट, मैंने इसके अंदर गया कर्ली ब्रैकेट में इन्वर्टर कॉमा दे दिया मैंने, जैन कॉमा फेब कॉमा मार्च एंड कर्ली ब्रैकेट को क्लोज। ये तो सर एक्सेस में हो गया, ये तो क्या एक्सेस मतलब नीचे वाला जो पता इसमें आएगा सर, हां 85, 25, 63। तो अब इस डेटा से इसको कोई लिंक नहीं है, डेटा को मैं डिलीट कर सकता। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि मुझे पहले चार्ट बना के फिर डेटा डालना पड़ेगा, मतलब कि पहले मुझे सीट पे डेटा रखना पड़ेगा, फिर चार्ट इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं ये जरूरत नहीं है। आप चाहो तो अपने लिए ब्लैंक चार्ट क्रिएट कर सकते, आप इंसर्ट कीजिए चार्ट, एक ब्लैंक चार्ट। अब ब्लैंक चार्ट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और आपके पास आएगा सिलेक्ट डेटा, सिलेक्ट डेटा पे जाइए, ऐड पे जाइए और यहां पे टाइटल दीजिए, जैसे कि मैं लाना चाहता हूं सेल्स, और फिर यहां पे अपना डेटा से 85, 65, 25 आ गया। अब मुझे एक्सेस डालना है जैन पे मार्च, तो यहाँ पे एक्सेस होता है, देखिए यहाँ पे लेजेंड एंट्री सीरीज इसको बोलते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल कैटेगरी जिसे एक्सेस बोलते हैं, इसको सेलेक्ट किया और यहीं पे मैं जैन कॉमा फैब कॉमा मार्च कर दिया। इस तरह से डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट कहाँ कहाँ क्या होता है, जैसे कि एक दो क्लास पहले किसी ने मुझसे पूछा था कंडीशनल चार्ट की पर्टिकुलर कंडीशन पे फॉर्मेटेड होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहां पे मंथ डाल देता हूं और सेल्स डाल देता हूं, ये ऑफसेट वाला ही है ना यार, विकास जी इतनी जल्दी क्या है, देखते नहीं है नजर। देखिए जब दावत दो तरह की होती है, एक होता है सेल्फ सर्विस जहां आप खुद लेके देख सकते हैं जो खाना है खा सकते हैं, जैसे कि चिकन खाना है मटन खाना है अपने हिसाब से खा लीजिए। दूसरा होता है उसको बोलते हैं कि आप जाइए बैठिए, पहले पत्तल बिछेगी उसके बाद पानी आएगा उसके बाद चावल आएगा फिर दाल आएगा, तो वन बाय वन आता रहे, समझे ना। तो जो क्लास होता है ना ये दावत होती है जब पत्तल बिछता है वन बाय वन टॉपिक आते रहता है, और जो सेल सर्विस है वो YouTube होता है जहां से खुद को टॉपिक देख सकते हैं, जो जो लेन देखना देख, ठीक है ना। तो सस्पेंस रखिए, इंतजार कीजिए, वन वन टॉपिक आएगा, हर टॉपिक आएगा लेकिन वो लर्निंग की एक सीक्वेंस में आएगा राइट, ताकि आप उसको समझ सके। जैसे कि इससे पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि फॉर्म कंडीशनल फॉर्मेट कंडीशनल चार्ट चार्ट के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाऊंगा, एग्जांपल आ गया देखिए। तो अब जैसे कि हमने सीरीज फॉर्मूले को समझ लिया, हमने ब्लैंक चार्ट लगा के उसमें इंसर्ट करना सीख लिया, एंड बात आती है कि मैं चाहता हूं कि इसमें लेस देन 40, 40 to 60 and 80 to 100 ये अलग अलग आए और अलग अलग कलर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चार्ट के ऊपर आप किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, कि मान लीजिए कि अगर ये 80 टू 100 आया तो मैं सेलेक्ट करके कलर मानो कर भी दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम होगा कि जब ये 89 वापस 40 आएगा तो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, कलर वही रहेगा। बट हम चाहते हैं जब कैटेगरी चेंज करें तो ऑटोमेटिकली कलर चेंज करें,
लेकिन एज पर रूल कि हम चार्ट में किसी भी प्रकार की कंडीशंस और फॉर्मेटिंग कंडीशंस नहीं लगा सकते, उस केस में हम क्या करते हैं, डेटा को अलग अलग रिलीजन में सेग्रीगेट करते हैं विद इफ फॉर्मूला इक्वल इफ, हमने बोला अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो इसको शो करें, अदरवाइज ब्लैंक करें। समझ में नहीं आया तो प्लीज आप लोग रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं। फिर हमने बोला इफ और यहां बिटवीन है तो याद होगा मैंने एंड बताया था, तो यहां पे एंड लगाएंगे और एंड के अंदर बोलेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 41 हो और ए लेस देन इक्वल टू 80 तो इसको शो करो, अदरवाइज ब्लैंक। और नेक्स्ट आएगा हमारा कि इफ अगर ए ग्रेटर देन 80 हो या एन लगा दीजिए, लेकिन मेरा 100 से ऊपर डेटा नहीं है जिसमें ग्रेटर देन 80 दे दिया, इसको सेव करें, अदरवाइज ये तो चीज आप लगा सकते हैं, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो ही गए। अब मैं चार्ट इन तीनों पे लगाना है, पर प्रॉब्लम दैट कि मैं चार्ट नहीं लगा सकता क्योंकि लगाऊंगा चार्ट तो सही नहीं दिखेगा, देखिएगा आपको कैसा गलत दिखा है, तो इसलिए मैंने आपको बताया ब्लैंक चार्ट इंसर्ट करा कि आप ब्लैंक चार्ट इंसर्ट करके अपने अकॉर्डिंग से सीरीज को क्रिएट कर सकते। तो मैंने एक ब्लैंक चार्ट क्रिएट किया और फिर इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे गए एड और यहां पर सीरीज नेम दिया कि लेस देन 40 और फिर हम लेस देन 40 वाला कॉलम को सिलेक्ट कर देते। फिर अगेन हम ऐड करते हैं और बोलते हैं 40 to 60 और फिर हम 40 to 60 वाला कॉलम को सिलेक्ट करके ओके करते हैं और फिर वापस ऐड करते हैं और 80 to 100 का टाइटल डालते हैं और 80 to 100 वाला फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन, बट यहाँ एक्सिस तो नहीं आया, 1 2 3 इतना ही आ रहा है, इस पे एडिट पे क्लिक कीजिए और एक्सिस के लिए इसका इस्तेमाल, दिस द कंडीशनल फॉर्मेटिंग चार्ट, राइट। और हर किसी का अलग अलग कलर है, मान लीजिए कि ये जो 40 है कल के डेट में अगर 85 बन गया तो दैट कॉल 85 का कलर आ गया, और थोड़ा सा ये बड़ा दिखाना चाहते हो तो राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज और इसकी जो गैप का जो विड्थ है वो आप अपने से गैप विड्थ जो है वो घटा दो, घटा दोगे तो मोटा हो जाएगा, सबको घटा दोगे तो सारा मोटा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट? नो सर। सर इसमें एक चीज पूछना है, इसमें तीन तो ग्रुप बन गया ना एक तरह से जो आपने कॉलम चार्ट दिया है, ग्रुप में जो सबसे बड़ा होगा और सब जो सबसे छोटा होगा उसके हिसाब से कंडीशनल कैसे लगाएंगे? क्या सबसे बड़ा और छोटा समझा नहीं? जैसे सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे जो दिख रहा है 85 है, हाँ, और सबसे छोटा नंबर 14 है, तो 14 वाले का एक मतलब अभी तो कलर यहाँ पे एक ही जो सबसे बड़ा है उसका एक कलर आ गया दो नंबर का 85 और 80। उसके लिए आपको थोड़ा सा विराम खाना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ मैक्स हो गया, आप चाहते हो कि सबसे बड़ा कलर का अलग हाईलाइट हो, सबसे छोटा कलर का अलग कलर हो, अब बाद बाकी एक कलर, वन कलर। तो यार सिंपल सी बात है, आप अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है ना कि फिर ये लेजेंड फिर नहीं होगा, वही बोलो मंथ वाइज, तो मंथ वाइज यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लगाएंगे कि इफ अगर a इक्वल टू है मैक्स, देखिए मैक्स थोड़ा सा बादाम इसलिए खाने के लिए बोला था आपको मैंने, तो a आएगा, ये आएगा, अदरवाइज ब्लैंक आएगा, इसको फ्रीज कर देंगे, हाँ
ठीक तो करना ही पड़ेगा। और फिर वापस इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां पे देंगे, और जहां हमने मैक्स लगाया है वहां पे क्या लग जाएगा, मेन। अब ये 300 ग्रुप बना देंगे इसको। ठीक है, और यहां कंडीशन आ लगेगा कि इफ अगर ए यहां पे लगेगा, और अगर ए नॉट इक्वल टू मैक्स और ए नॉट इक्वल टू मेन। अब पता चला मैंने आपको बादाम खाने के लिए क्यों बोला था, कॉम्प्लिकेटेड। कोई कॉम्प्लिकेटेड क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, इसमें मैक्स ले लेना है, इसमें मिन ले लेना है, और इसमें मैक्स और मिन हटा कर लेना है। सिंपल सा, मैंने मैक्स का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें मिन का लगा दिया, और मैंने तो बोला भाई मैक्स और मिन ना हो तो आ जाए, कॉम्प्लिकेशन कहाँ है इसमें। अब इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे तो फिर मुश्किल जाएगी सर, कॉम्प्लिकेट फॉर्मूला है क्या बोलेंगे फिर। बस सर ये तो गलत आ रहा है ना, हमने बोला कि b2 नॉट इक्वल टू मैक्स, एंड लगा के देख, एंड लगा और नॉट इक्वल टू मीन, तो b2 है। अच्छा हमने गलत दी थी, नॉट इक्वल टू है ना, ठीक है एक मिनट देख लेते हैं एवलुएट करके कहां दिक्कत है, सकता है मुझे बादाम खाने की जरूरत पड़ जाए। 85 85 फॉल्स, और इसमें फिर क्या है ना, इसमें फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें नेस्टेड इफ लगेगा, नेस्टेड इफ अगर ए नॉट इक्वल टू, क्योंकि मैच होगा तो मीन नहीं होगा ना, एल्स इफ क्या ना सर, शाम तक क्लास, सुबह से क्लास लेते थे, शाम तक ट्यूबलाइट हो जाती है दुकान, ऐसा हुआ तो इसको शो करे, अदरवाइज एक और इफ कंडीशन लगेगा और बोलेगा कि अगर ए नॉट इक्वल टू मीन हुआ तो फिर इस पूरे को शो, भी इसी को शो करे। अब तो हो गया, अभी भी गलत आ रहा है। नॉट इक्वल टू नॉन ब्लैंक होता है, इक्वल टू ऐसा हो तो ब्लैंक हो जाए, और यहां पे भी इक्वल टू उल्टा कंडीशन डालना पड़ेगा, अदरवाइज फिर उसको शो कर। अब सही है, समझ गए, समझे कि नहीं। अच्छा समझ गया, अब इसके सब पूरा करना है इसको। हमने क्या बोला कि अगर ये मैक्स के बराबर है तो ब्लैंक करके यही पे एग्जिट हो जाओ, बाहर आ जाओ, आगे नहीं चलना है, ठीक है। और बोला कि अगर नहीं मैक्स के बराबर नहीं है तो फिर चेक करो कि क्या मिन के बराबर तो नहीं है, 85 नहीं है, फिर 14 है, अगर 14 है तो फिर यहाँ ब्लैंक शो करो, बाहर निकल जाओ, पर दोनों नहीं है तो जो नंबर हो नंबर दे दो यहाँ। एंड लास्ट नेक्स्ट प्रोसीजर तो पता ही आपको कि हम एक ब्लैंक काट लेंगे और राइट क्लिक करके हम सिलेक्ट डेटा में जाएंगे और वन बाय वन हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, और इसमें हम मैक्सिमम का कॉलम ले लेंगे और फिर लिख के ऑड करेंगे मीन, और फिर हम मिनिमम का कॉलम ले लेंगे, और फिर हम लेंगे
रेस्ट या अदर जो भी लिख दीजिए, जो आप लिखते हैं। ओके जा यहाँ पर गए हमने मंथ, राइट क्लिक, स्लैब डेटा, एडिट और यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं सर? सही है, बिल्कुल। और किसी को डाउट? अब हम बात करते हैं कि अगर मेरा दो सीटों पे डेटा है तो, जैसे कि डेटा वन एंड डेटा टू, राइट? डेटा टू होना चाहिए ना, डेटा टू। अब डेटा वन पे मैं यहां पे मंथ जाता हूं और यहाँ पे हम सेल्स दे देते हैं डी वन सेल्स के लिए। और इसको सेलेक्ट करते हैं, एक से फोन उठा लेता हूँ। हेलो जी, बोलिए गौतम जी, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ बोलिए। और वो साइट सपोर्ट करती है, कर सकते हैं? नहीं 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 समझे, जो साइट साइट बनती है ना सर, तो वो उसमें एम्बेड, इसको बोलते हैं एम्बेड इनकोडिंग। अगर एम्बेड इनकोडिंग एनेबल होता है तो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं एनेबल होता है तो नहीं कर सकते। लॉगिन करना पड़ता, आपको लॉगिन करना पड़ता है ना। आपके पास टैग टीम है ना, टैग टीम से बात कीजिए, वो डाउनलोड उनके पास ये होगा, अपडेट ये होगा उसका कनेक्टिविटी। लॉगिन, अगर आपके पास लॉगिन है जहां से हम डाउनलोड करते हैं तो मुश्किल, ठीक है। ट्राई करके देख लीजिए ना आप, फ्रॉम इसे उसकी जो डाउनलोडिंग जो पाथ है ना, उस पाथ को जाइए, फ्रॉम वेब पे क्लिक करके डाल के देखिए, अब कनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो जो डाउनलोड होता है एक्सेल फाइल होता है, हाँ उसकी लिंक, हाँ उसके लिंक लेके कॉपी पेस्ट कर दो, अगर सपोर्ट करेगा तो आ जाएगा, सपोर्ट नहीं करेगा तो नहीं। हाँ तो नहीं सपोर्ट करता है, सिंपल सी बात नहीं। लोग रात को भी चैलेंज नहीं करने देते सर। अब यहां पे जैसे कि डेटा वन एंड डेटा टू दो शीटों में पाई, तो मैंने क्या किया कि मुझे दोनों शीटों का डेटा लगाना है, दोनों शीटों पे चार्ट लगाना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका जो मंथ है ना ये सीक्वेंस में होना चाहिए। फिर मैं इस पे इंसर्ट गया, चार्ट एक ब्लैंक चार्ट लिया, फिर राइट क्लिक करता हूं, सिलेक्ट डेटा एड, और फिर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। इसको नहीं माफ कीजिए, इसको करना होगा ना, इसको डी वन है ना, इस पे देना होगा ना, मैं हमेशा गलती करता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फिर वापस हमने एक मिनट,
तो वापस ऐड पे क्लिक किया और मैं दूसरी शीट पे गया और दूसरी शीट का डेटा हम यहां से उठा लिया। और फिर अब जैसे कि फिर मैं राइट क्लिक किया वापस लग गया था, हमने एक चीज छोड़ दी नीचे वाला और इस पर एडिट कर। तो दो अलग अलग शीट का डेटा भी इस तरह से आप उठा सकते हैं, लेकिन वही कंडीशन है कि सीक्वेंस दोनों का सेम होना चाहिए। सीक्वेंस अलग हुआ तो आप नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि अब चलिए अब विकास जी को पहले मैंने डांट दिया था तो चलिए उनकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं। नाराज हो गए बेचारे, पता नहीं आपको खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। चलिए विकास जी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हेलो सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ नीरज जी आ रही है आवाज की आपके पास। सर एक चीज बताओ, जैसे की डेटा चार पांच शीट में है, ठीक है, तो क्या उनपे ड्रॉप डाउन लग के सेलेक्ट हो सकता है? प्रोडक्टिविटी मान लो देखना मुझे जैन है मार्च वो अगली क्लास में। अच्छा ठीक, अभी फिलहाल हम ये करना चाहते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे चार्ट लगाया राइट, और चार्ट में विकास जी देखिए आपका टॉपिक क्या है ऑफसेट वाले। ओके सर। अब यहाँ पे मैंने जैन से जून कर लिया, अब अगले महीने जुलाई आ जाएगी तो फिर यहाँ पे जुलाई का डेटा ऐड हो जाएगा राइट। तो चार्ट में तो ऐड हुआ नहीं, तो मैनुअल मुझे इसको ऐड करना राइट, तो हर बार मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि भाई 12 महीने का है तो मैं यहाँ पे 12 कॉलम रख दू, कि यहाँ पे ब्लैंक गैप आ रहा है तो गैप नहीं आना चाहिए। तो अब हम ये करना चाहते हैं कि जितने महीने का जब बाइटा डिलीट हो तो ऑटोमेटिकली वो रेंज को कम कर ले, और ज्यादा हो तो ऑटोमेटिकली रेंज को ज्यादा, समझ गए? समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो कैसे करें? तो याद होगा मैंने आप लोगों को ऑफसेट का फॉर्मूला बनाया, तो ऑफसेट का फॉर्मूला क्या करता है देखिए। जैसे मैंने ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया कि एक से जाओ A1 से एक रो नीचे आओ, और हमने एक रो नीचे और जीरो बॉल, तो ये जैन शो कर दिया, शो कर दिया ना। तो जैन शो नहीं किया हुआ, अगर मैं इसको सम या काउंट एक ऐसे फॉर्मूले के अंदर डाल दूं और फिर इस फॉर्मूले को एवलेट करूंगा तो पता चलेगा कि आखिर ये जैन नहीं दे रहा है, ये उसका रेफरेंस दे रहा है A2। तो ऑफसेट क्या करता है? रेफरेंस को सॉल्व करता है राइट। लेकिन अगर ऑफसेट की इसको देखें तो यहां पे हाइट और विड्थ, हाइट मतलब कि कितना रो और विड्थ मतलब कितना कॉलम। तो हाइट में मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड विड्थ एक कॉलम है तो एक डाल। अब इस फॉर्मूले को एवलेट करोगे तो आपको दिखेगा कि A2 से A8, समझे? मतलब हमने बोला कि A1 से चलो एक रो नीचे आओ जीरो कॉलम, वहां से 7 रो और 8 कॉलम का एड्रेस बताओ, किसने बता दिया? A2 से A8। और जो 7 रो है, अगर इस 7 रो को मैं ऑटोमेट कर दूं काउंट ए फॉर्मूले से, काउंट ए फॉर्मूले से, तो ए ऑटोमेटेड हो जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत है, काउंट ए में मंथ भी आ जाएगा ना, तो हमें -1 कर दीजिए। अब देखिए अब क्या हुआ, काउंट ए ने यहां पे 7 करके ये इसने ऑटोमेट कर दिया। तो अगर मैं कल के रेट में आप बढ़ाता हूं तो अपने आप को इंक्रीज कर लेगा, घटाता हूं तो अपने आप को डिक्रीज कर लेगा। और फॉर्मूला अगर सीरीज में जाए तो इसको भी वही चाहिए ना, यहाँ पे सीट 7 में A2 से A8 ये ऑफसेट दे रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम ऑफसेट को डायरेक्ट यहां नहीं लगा सकते,
ये बात मैंने आपको पिक्चर में कभी क्लास में बताई होगी शुरुआती में कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप कॉल किसी फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन किसी नेम को अप्लाई कर सकते हो, डिफाइन नेम को। तो हम क्या कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट में यहां लिखा हुआ है इसको हम कॉपी कर, कॉपी करने के बाद ये सेम चीज हम डिफाइन नेम में जाते हैं और डिफाइन नेम में मैंने बोल दिया एमएन और डिफाइन नेम में इसको पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद ध्यान रखिएगा इसमें फ्रीज करना ना भूलें। सर हाँ बोलिए। सर ये फ्रीज जो है ये कौन सा वाला कराए, जो हमने रेंज सिलेक्ट करी है सेल्स वाली वो है ना ये? हाँ ये, क्यों यहीं से नहीं होता? सब फ्रीज कर रखा है। आपको सब फ्रीज करना होगा, इसमें कोई छोटा नहीं होगा, ठीक है। और एक तो हमने बना लिया इसके लिए, तो यहाँ पे हमने जहां हमारा फ्रेंड्स था इसमें हम कर देते हैं एमएन, चैप्टर लिया एमएन, लेकिन इसके लिए तो बनाना पड़ेगा जो B2 से B8 है। तो हमने डिफाइन नेम में मान लो इसी को कॉपी कर लेते हैं और एक और नेम डिफाइन करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं SS for sales और फिर इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। लेकिन पेस्ट करते बाद थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, A1 रो 0 कॉलम की जगह पे एक और कॉलम दे देते हैं और एक BB की जगह पे B/B कर देते हैं, चेंज करना पड़ेगा एंड टिक करके चेक करते हैं। अब मैं यहां पे एसएस कर देता हूं और एंटर मारता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखिए जुलाई, यहां पे मैं यहां पे जैसे अगस्त डालता हूं, AUG अगस्त, जैसे सेल डालूंगा अगस्त, सितंबर, और मान लो कि मैंने डिलीट कर दिया तो यू कैन आल्सो डिलीट। सर एक क्वेश्चन है इसमें, पूछे और सर वो जो सीरीज का फॉर्मूला एक बार दिखाना, उसमें पूछना थोड़ा सा। सर इसमें जैसे बुक टू, ये बुक टू के साथ में ये, अगर ये बुक टू को हम हटा दें तो भी ये काम करेगा केवल एमएम पे या फिर तो नहीं करेगा? बुक को हटाने की क्या जरूरत है? नहीं सर, जैसे अगर हम हटाते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपने बुक टू डाला है? नहीं नहीं, ऑटोमेटिकली जो हमने एमएम को, आपने बुक टू तो डाला नहीं है, बुक टू हटाओगे तो वापस बुक टू आ जाएगा। ओके सर, ओके, ठीक है सर, आपने बुक टू तो डाला नहीं है ना, एंटर मार के वापस आ जाएगा। तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ और रिकॉर्डिंग कुछ देर में अपलोड कर दूंगा, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए। कल हमारी डायनेमिक चार्ट की लास्ट क्लासेज हैं, उसके बाद एक डायनेमिक चार्ट पे प्रोजेक्ट होगा, डायनेमिक हम लोग जो है वापस TV की तरफ बढ़ेंगे, राइट? सर एक क्वेरी था, बोलिए। सबसे फर्स्ट क्लासेज में हमने व्यू लुकअप में ऑब्जेक्ट को व्यू लुकअप करना बताया था, लेकिन उसमें मतलब बहुत बार ये ट्राई किया था करने का लेकिन होता नहीं है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट को फिल्टर व्यूलुकअप लगाता हूँ या कोई भी लुकअप लगाता हूँ तो उसमें हर ऑब्जेक्ट का एक अलग अलग नाम देना होता है, तो क्या सिंगल नेम से वो नहीं होता है व्यूलुकअप? आप यूट्यूब पे जाइए, पिक्चर लुकअप का वीडियो देखिए, लेटेस्ट में डाला है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, डायनेमिक नेम सिस्टम क्यों पढ़ाया मैंने आपको कमल प्रेमकांत जी, डायनेमिक नेम सिस्टम को समझिए, इसका जवाब आपको को मिल जाएगा, समझे? ठीक है सर, अब आप बड़े हो गए हैं, बच्चों की तरह बात मत कीजिए। और किसी कुछ पूछना है? ये फाइल भेजती मैंने आप लोगों को? नहीं नहीं बस, और कुछ नहीं।
ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय, गुड नाइट।